नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले इंडियन नेवी के आए हुए ग्रुप सी सिविलियन पर्सनल ऑफलाइन वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों यहाँ पे ऑफलाइन इसलिए ये है कि क्योंकि ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन अवेलेबल रहेगा, आप इसको ऑनलाइन फिल नहीं कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म है दोस्तों ये अभी तुरंत अवेलेबल नहीं है, ये जो इसका अभी स्टार्टिंग डेट होगा वो 31 जुलाई 2021 को ये फॉर्म अवेलेबल होगा, जब इसके नोटिफिकेशन रोजगार समाचार या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आएगा, ठीक है। उसके बाद ही दोस्तों आप इस फॉर्म को जो है ऑफलाइन फिल करके इसे आप पोस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों सारी चीज़ें देखेंगे कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है दोस्तों इस पोस्ट को भरने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये फॉर्म भरने के बाद कहाँ पे भेजना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि आप कोई गलती ना करें फॉर्म को भेजने में। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको ऐसी अपडेट हमेशा मिलते रहिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है एट साउथर्न नेवल कमांड कोची एंड अंडमान एंड निकोबार कमांड पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। तो मतलब आपकी जब अगर सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद जो आपको जो अगर जॉब में अप्लाई आप करते हैं या सिलेक्शन होने के बाद आप जब जॉब के लिए ज्वाइनिंग करेंगे, तो आपका जो ये बेस होगा, जो आपका जहाँ पे आपको काम करना होगा वो होगा ये साउथर्न नेवल कमांड कोचीन और अंडमान निकोबार कमांड पोर्ट ब्लेयर में करना होगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों पोस्ट की, तो अगर आप पोस्ट देखें तो यहाँ पे दो अलग अलग पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। एक है सिविलियन मोटर ड्राइवर की है, दूसरा है पेस्ट कंट्रोल वर्कर की, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसकी सैलरी डिटेल्स भी दे रखी है कि आपको कितनी से कितनी सैलरी जो है दोनों पोस्ट में मिलने वाली है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो कमांड है वो पहले एक कमांड जो साउथर्न नेवल कमांड कोची है, साउथर्न नेवल कमांड कोची और अंडमान एंड निकोबार कमांड पोर्ट ब्लेयर का कमांड है, जहां पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है। दोस्तों अगर वैकेंसीज के हम देखें कैटेगरी वाइज, तो ये कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कैटेगरी वाइज का वैकेंसीज को। इस तरीके से आप अपने कैटेगरी के लिए आपको पता चलेगा कि किस कैटेगरी में आप हैं और उस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो हम इसके देखें सारी डिटेल्स कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी है एज की, तो दोस्तों जो एज है वो सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए बिटवीन जो है 18 एंड 25 ईयर है, यानी कि मिनिमम जो है 18 है और मैक्सिमम जो है वो 25 ईयर को किया गया। और वही अगर पेस्ट कंट्रोल की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पर भी दोनों एज लिमिट बराबर ही है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दोस्तों बात करें, तो जो मैट्रिकुलेशन है वो आपको जो है पास होना है, 10th जो आप होने चाहिए पास किसी रिकग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। मस्ट बी प्रोसेस है ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स एंड मोटर व्हीकल, ठीक है। तो आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों, वो भी हैवी मोटर व्हीकल का या मोटरसाइकिल्स का, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए, ठीक है, तभी आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है दोस्तों कि अगर आप जो है ये चीज़ तीनों जो है आपके पास अवेलेबल है, तो ही आप जो है सिविलियन मोटर ड्राइवर पोस्ट के अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, वरना आप नहीं हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों पेस्ट कंट्रोल वर्कर की, तो आपके लिए जो आपको इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसका, वो है मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और साथ ही साथ दोस्तों ये है कि एबिलिटी टू रीड स्पीक हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो मतलब आप जो है 10th पास होने चाहिए और आपको जो है हिंदी और रीजनल लैंग्वेज के बारे में नॉलेज जो है होना जरूरी है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों आगे एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि एस सी एस टी में जो है 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी में 3 ईयर का है, और वहीं पे अगर ईसीएम और पीडब्ल्यूबीडीएस की बात करें तो यहां पे इसकी एज रिलैक्सेशन दी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसकी बात करते हैं हम सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो जो सेलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो शॉर्ट लिस्टिंग और एप्लीकेशन रहेगा पहला, उसके बाद जो है रिटन टेस्ट रहेगा, जहाँ पे जो कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। वहीं पे जनरल इंग्लिश जो कि 20 मार्क्स कवर करेगा दोस्तों आपका, जनरल अवेयरनेस जो है आपका 10 मार्क्स कवर करेगा, और अवेयरनेस इन रेलिवेंट फील्ड आपका जो है 50 मार्क्स कम्प्लीट करेगा। टोटल जो है 100 मार्क्स का टोटल ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको सिलेबस भी दिया गया नोटिफिकेशन में, जो मैं आपको अपनी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर और साथ ही साथ इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा सिलेबस जो है इस एग्जाम के लिए आने वाला है। तो सिलेबस की सारी डिटेल दोस्तों इस नोटिफिकेशन में दी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम कि इसमें जो आपको फॉर्म जो भरना है उसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट डेट जो अगर देखें यहां पे, तो लिखा हुआ है कि द लास्ट डेट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन इज 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो नोटिफिकेशन है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसकी नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद जो है इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 31 जुलाई को अगर इसके नोटिफिकेशन आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे, तो उसके बाद 21 दिन तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें, अगर आप रेजिडेंट जो है अगर आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पंगी सब डिवीजन ऑफ चांबा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप
लक्षद्वीप के रहने वाले हैं। तो दोस्तों जो आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा वो है 21 जुलाई के बाद से लेकर 28 दिन तक रहेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो एप्लीकेशन रहे ये ऑल ओवर इंडिया के लिए अवेलेबल है, इसीलिए दोस्तों आप इसे कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। और खासी खास जो भी आसाम मणिपुर और जी सारे स्टेट में रहने वाले जो भी लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको ये बात ध्यान देना है कि जो उनके लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 31 जुलाई के बाद 28 दिन तक रहने वाला है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैसे आपको इसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको जो फॉर्म मैं अभी यहाँ पे दिखा दूंगा किस तरीके से फॉर्म है, और उस फॉर्म को आपको A4 साइज पे प्रिंट आउट करवाना है गुड क्वालिटी पेपर पे, ठीक है। फॉर्म को दोस्तों आपको चाहे आप हैंड रिटन में भर सकते हैं या तो आप साइबर कैफे में जाकर के फॉर्म को जो है टाइप करवा करके सीधा प्रिंट आउट करवा सकते हैं, ठीक है। फोन को उसके बाद फॉर्म को दोस्तों आपको एक फोटो उसमें फुल्ली अटेस्टेड करना है, डॉक्यूमेंट लगाना है दोस्तों उसमें सही तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपको एक एनवलप में उसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मतलब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन एनवलप के ऊपर लिखना है, पोस्ट का नाम लिखना है, और एक जो है स्टूडेंट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ पोस्ट और वन पोस्ट ओनली, ठीक है। और उसकी कैटेगरी लिखनी है, वो जनरल कैटेगरी का है, एससी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी है। और उसके बाद दोस्तों इस दिए गए पते पर उसे ये पोस्ट करना है, ठीक है। पोस्ट करने से पहले दोस्तों एक और बात ध्यान देने वाली है, और वो ये है दोस्तों कि आपको ये बात ध्यान देना है कि जो आप एनवलप यूज़ कर रहे हैं उसका जो साइज होना चाहिए वो 23x13 सेंटीमीटर का साइज होना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक स्टैंप लगेगा 45 रुपये का, और जो आपको वो स्टैंप उस एनवलप पे लगाना है, ठीक है। तो ये एनवलप दोस्तों आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा, आपको बस क्या करना है कि वहाँ पर जाके ये स्टैंप लेना है, अपने एनवलप पे लगाना है, और एड्रेस सही तरीके से फिल करके इस फॉर्म को पोस्ट कर देना है, ठीक है। दोस्तों फॉर्म को पोस्ट करते वक्त पता आपको एकदम ध्यान से भरना है कि जो आप पता यहाँ पे लिख रहे हैं वो एकदम सही है या नहीं है, ताकि आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही जगह पे जाए, ठीक है। तो आप इस पते को मैं जो है हमारी वेबसाइट पे भी मेंशन कर दूंगा, ताकि आप इस पते को यहाँ पे देख सकें और सही तरीके से इसे फिल कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा उस फॉर्म को भरने के लिए, और फॉर्म के साथ साथ वो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको भेजना भी होगा। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो लगने वाले हैं वो यहाँ पे दोस्तों सारे इस मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आपको दोस्तों जो है एडिशनल फोटो देना पड़ेगा, आपको दोस्तों उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ देने पड़ेंगे अपने सर्टिफिकेट के, यानी कि 10th का जो सर्टिफिकेट हो गया, 12th का सर्टिफिकेट हो गया, मतलब जो भी आपको आपका हायर क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको अपना सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो है अपना 10th सर्टिफिकेट का और बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी एक दे सकते हैं, या 10th का सर्टिफिकेट दे, चाहे बर्थ का सर्टिफिकेट दे, सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी कास्ट की सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है। OBSC ST के कैंडिडेट्स के लिए केवल ये आपको जो है अपना केवल कास्ट का सर्टिफिकेट भी इस फॉर्म के साथ जो है अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, तो आपको जो एक कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल इन सपोर्ट ऑफ कैंडिडेट एक्सपीरियंस प्रोफेसर, अगर मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको जो है उस एक्सपीरियंस का जो आपका एक्सपीरियंस लेटर है वो भी यहां पे इसमें अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई एक्सपीरियंस सर्विस है तो उसका भी जो है आपको डिटेल्स यहां पे अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप डिसेबल्ड हैं कहीं से भी तो आपको दोस्तों ये करना है कि अपने डिसेबल का जो सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट लेना है, और उसको जो है अपने इस फॉर्म के साथ अटैच करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप डिसेबल्ड है तो उसको फॉर्म सर्टिफिकेट को जरूर आप उसको ऐड करिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बात करते हैं कि WS का सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों कुछ 5-6 डॉक्यूमेंट है जो आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करके भेजना पड़ेगा। आइए दोस्तों फॉर्म देख लेते हैं कि हमारा जो फॉर्म है उसमें फॉर्म में हमें क्या क्या यहाँ पे भरना है। तो दोस्तों ये जो है कुछ इस तरीके से फॉर्म है, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप जो है फॉर्म आसानी से डाउनलोड कर सकें। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है कि ये जो लेटर है यहाँ पे सबसे पहले अपना आपको नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि टू बी फिल्ड इन अ कैपिटल लेटर्स ओनली, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अपने आपको पिता का नाम लिखना है। इस बॉक्स में दोस्तों आपको अपना जन्मदिन लिखना है, जिसको यहाँ पे मेंशन भी करेगा कि इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे आपको डेट होगा, यहाँ पे आपका मंथ होगा, और यहाँ पे आपका ईयर होगा, यानी कि अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है अगर वो 15 अगस्त 1999 है तो यहाँ पे आपको 15 हो जाएगा, मंथ में आपका अगस्त हो जाएगा, यानी कि 08 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 1999 लिखना पड़ेगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस की सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। आपको हर एक बॉक्स में आपको अपना विलेज या ठीक अपना पोस्ट ऑफिस, ठीक है, अपना तहसील जो हो गया आपका, आपका जिला हो गया, आपका जो राज्य हो गया, यहाँ पे इसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। राज्य के लिए दोस्तों यहाँ पे एक जगह दे रखा है, यहाँ पे आपको स्टेट लिखना पड़ेगा। फोन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर मेंशन करना, ध्यान रहे दोस्तों आप अपना वो फोन नंबर मेंशन करें जो आपका एक्टिव फोन नंबर है, ठीक है, जो आपको करंट में आप उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस जगह पे दोस्तों आपको अपना पिन कोड मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस की बात करते हैं। तो अगर आप जहां पे अभी रह रहे हैं अगर वो अलग एड्रेस है आपके परमानेंट एड्रेस से, तो आप उसको यहां पे भरिए, अदरवाइज जो सेम एड्रेस आपने ऊपर यहां पे भरा हुआ है वही सेम एड्रेस आपको यहां पे भी
फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक मेंशन फिर से कर रखा है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ध्यान से दोस्तों बढ़िया कैपिटल लेटर में ईमेल आईडी लिखेगा ताकि कोई भी लेटर गलत ना हो और ताकि आपके पास जो भी अगर इन्फॉर्मेशन आए वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे पहुंच सके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने आपको कास्ट और कैटेगरी चूज करना पड़ेगा, जैसे आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, सीएसटी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा अपने कास्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना 12 अंक का आधार डिजिट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक एक बॉक्स में एक एक डिजिट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ अगर आप कोई डिसेबल हैं हमारे स्टूडेंट तो उनको यहाँ पे उस डिसेबल की कैटेगरी देकर परसेंटेज वाइज लेकर के डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको अपना जेंडर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी यानी इंडियन लिख देना है, आपको यहाँ पे अपना मैरिज स्टेटस करना है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना रिलीजन मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पर कि आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे फिल करना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, 10th लिख के उसका जिस बोर्ड से आपने यूपी बोर्ड से पास किया तो यूपी बोर्ड लिख दीजिए, ईयर ऑफ पासिंग अगर आपने 2016 में पास किया 2016 लिख दीजिए, टोटल मार्क्स आपको कितना मिला वो लिख दीजिए, परसेंटेज आपको कितना मिला वो लिख दीजिए और आप कौन से डिवीजन फर्स्ट आए हैं सेकंड आए वो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से पहले वाले लाइन पे 10th का लिख दीजिए, फिर दूसरे लाइन पे 12th का लिख दीजिए और अगर आपने कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है अगर उसके भी आपको अगर रिजल्ट वगैरह आ गया है तो आप उसकी भी डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसी के नीचे आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्म अटैच करने का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपको अपने एक्सपीरियंस का डिटेल लिखना है अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और उसका सर्टिफिकेट दोस्तों अटैच करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फॉर्म के साथ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क आता है, यहाँ पे आपको अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, जैसे अगर आपके काल में कोई तिल हो, चेहरे पे कोई कट का निशान हो, हाथ में कोई कट का निशान हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपका कोई निशान नहीं है तो आप यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर नो मार्क्स लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिक्लेरेशन आता है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, यहाँ पे आपको प्लेस और डेट लिखना है, इस जगह पे दोस्तों आपको अपना साइन करना है और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन यहाँ पे देना है। ये दोस्तों इनक्लोजर जगह है जहाँ पे मतलब जो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको ऊपर बताया वो डॉक्यूमेंट आप जो अटैच कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर लिख देना है, 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कोई आईडी प्रूफ हो गया, इस तरीके से दोस्तों आपको ये सारे यहाँ पर लिख देना है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हैं और उसके बाद जो दोस्तों मैंने आपको पता दिखाया था उस दिए हुए पते को आपको इस पर इसको भेज देना है, ठीक है। पता मैं आपको दोस्तों मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं मेंशन कर दूंगा ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। इस पते पे आपको इसको फॉर्म को भेज देना है जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। फॉर्म में दोस्तों बस इतना ही करना है, उसके अलावा और फॉर्म में कुछ नहीं करना है। ये फॉर्म भरने के बाद आपको सिंपल भेज देना है कहाँ पर, जो पता मैंने आपको दिखाया, ठीक है। सैलरी स्केल दोस्तों यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे सैलरी स्केल जो इस तरीके से सिविलियन मोटर ड्राइवर की जो सैलरी स्केल है वो 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये तक की है, वहीं पेस्ट कंट्रोल की अगर बात करें तो 18,000 से लेकर 56,900 रुपये के बीच में रहेगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस का दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से रहेगा, फॉर्म शॉर्टलिस्ट रहेगा, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। वहीं पे दोस्तों अगर बात करें, अगर हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि कितने कितने मार्क्स का कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं और टोटल जो है 100 मार्क्स का जो है पेपर आपका रहने वाला है रिटन का, ठीक है। आपको फॉर्म कैसे भरना है दोस्तों मैंने बता ही दिया, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है, यहीं से आप हमारे जो है फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा दोस्तों फॉर्म का भी और नोटिफिकेशन का भी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो में अगर हम कुछ भूल गए हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।